हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है बहुत खास है मेरे उन सभी सब्सक्राइबर के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या भी मतलब सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आफ्टर इंजीनियरिंग के बाद वो गवर्नमेंट उसमें एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं जो बुक्स हैं वो रिकमेंड करूँगा। दोस्तों, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें सिविल इंजीनियरिंग मतलब कि पी एन खन्ना की सिविल इंजीनियरिंग हैंडबुक, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो आपके पास वो बुक होनी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा ऑब्जेक्ट टाइप बुक है गुप्ता एंड गुप्ता, दोस्तों ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बुक्स क्योंकि दोस्तों अगर आपने बुक से दोस्ती कर ली, किताबों से अगर आपने दोस्ती कर ली, तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा कहना नहीं दोस्तों, ये बहुत बड़े जो आज सक्सेसफुल पीपल हैं, ये उनका कहना है कि बुक्स सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड अगर आप मान लोगे तो उनकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, ये जो है पी एन खन्ना की जो सिविल इंजीनियरिंग हैंडबुक थी, वो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसका उस बुक का भी मतलब डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और इस बुक का भी। तो दोस्तों, ये सिविल इंजीनियरिंग की जो गुप्ता एंड गुप्ता की थर्ड एडिशन ये है, SS SP गुप्ता SS गुप्ता, ठीक है, ये आप देख लीजिए। ये सिविल इंजीनियरिंग थ्रो ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन थर्ड एडिशन गुप्ता एंड गुप्ता CBS, ओके। इसका थोड़ा हम खोल के इसके अंदर भी देख लेते हैं। ये दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग थ्रो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन SP गुप्ता SS गुप्ता CBS डिस्ट्रो प्रॉब्लम लिमिटेड। अब थोड़ा सा जिसमें ये टोटल 18 चैप्टर हैं कंटेंट्स, ठीक है। ये पहला है फ्लूइड मैकेनिक्स, सर्वेइंग, इरिगेशन और हाईवे, रेलवे, इन्वायरमेंटल कंस्ट्रक्शन, सोल मैकेनिक्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, अप्लाइड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, डिजाइन ऑफ मेसनरी स्ट्रक्चर्स, डॉक्स एंड हार्बर्स इंजीनियरिंग, टनल इंजीनियरिंग, ठीक है दोस्तों। ये टोटल 18 है इसमें और ये ऑब्जेक्टिव टाइप हैं हर मतलब के चैप्टर में, बहुत अच्छे से जो बिल्कुल डीपली क्वेश्चन इसमें बताए गए हैं। दोस्तों, मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं या इन फ्यूचर आप इंजीनियरिंग के बाद जाना चाहते हैं, तो इन बुक्स को पी एन खन्ना हैंडबुक सिविल इंजीनियरिंग और ये SS गुप्ता SS मतलब गुप्ता एंड गुप्ता की जो ये इंजीनियरिंग बुक है ऑब्जेक्टिव टाइप को, उसमें ये ज़रूर मंगाइए दोस्तों, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, पी एन खन्ना हैंडबुक का भी सिविल इंजीनियरिंग और गुप्ता एंड गुप्ता इसका भी, ठीक है। आप यहाँ से खरीद सकते हैं या आप मार्केट में जाके कहीं से भी खरीद सकते हैं, बस आप जरूर बुक्स को खरीदिए जरूर दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में जाते हो, लिंक पे कर जाते हो, तो आपको अमेजन आपके घर पे पहुँचा देगी यही बुक, ठीक है। आप कैश ऑन डिलीवरी है, आप कैश दीजिए, आप बुक को ले लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, आपके घर पर मिल जाएगी बुक्स ये। बस आप क्लिक मतलब जो क्लिक आपको लिंक है, लिंक पे जाके क्लिक कीजिए और वहाँ से आप उसको बाय नाउ पे करके इसको कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें थी, क्योंकि बुक्स बहुत अच्छी है दोस्तों, मैंने भी रीड किया है इसको, तो बाकी आप कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हैं। तो बट मेरा कहना यही है, अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, या अभी आप स्टूडेंट हैं, आफ्टर अपने डिप्लोमा के बाद जाते हैं, चाहते हैं कि आप तैयारी करें कि कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, तो मैं रिकमेंड करूँगा दोस्तों ये वाली बुक का, ठीक है। बस यही था दोस्तों वीडियो बनाने का मोटिव मेरा, मैं आपको थोड़ा बुक के बारे में बता दूँ, बहुत अच्छी बुक है, तो आप जरूर खरीदिए, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।